आज हम लोग करेंगे जैस्पर एआई का डिटेल्ड रिव्यू 2023 के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं एआई राइटर्स, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। जैस्पर एआई के बारे में बात करूँ तो पहले जाविस नाम से काफी फेमस था, देन इसको रीब्रांड कर दिया गया जैस्पर एआई में, ऑब्वियसली आउट ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज आई थिंक, बिकॉज मार्वल का जाविस और ये जाविस दोनों अलग अलग है। बट ये भी एक एआई राइटर है, वो एआई मशीन थी, ये एक एआई राइटर है। एआई राइटर मींस कि आप इसको यहाँ पे इनपुट देते हो एंड उसके हिसाब से ये आपको टेक्स्ट लिख के दे देता है। जैसे अगर मुझे ईमेल लिखना है, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट लिखनी है, सोशल मीडिया का कैप्शन लिखना है, ऐड की कॉपीज लिखनी है, ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, तो मैं इसको यहाँ पे से बताता हूँ कि मुझे ये चीज़ लिखनी है एंड देन ये बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम्स मुझे एक आउटपुट जनरेट करके दे देता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड एस्टैब्लिश्ड एआई राइटर्स आउट देयर। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी फ्री प्लान नहीं है, सिर्फ एक ही प्लान है इनका बॉस मोड के नाम से, एंड यहाँ पर आपको 50,000 के वर्ड्स मिल जाते हैं पर मंथ फॉर द प्राइस ऑफ $49। और अगर हम लोग इसको यहाँ पे मंथली पे करते हैं तो ये प्राइस बढ़ जाती है $59 पे। देखते हैं कि क्या ये इस प्राइस के वर्थ इट है कि नहीं, और मेरे पास आप लोगों के लिए एक स्पेशल कूपन कोड भी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉगिन करोगे, कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाई देगा। टेम्पलेट्स काफ़ी सारी यहाँ पे मिल जाती है हमें, 90+ अराउंड टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, एंड देर आर डिफरेंट टेम्पलेट्स फॉर डिफरेंट सिनेरियोज, एड्स, ब्लॉग, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, ई मेल, सबके लिए यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगी। एंड देन वी हैव चैट फंक्शन, जैसे कि चैट GPT है वैसे ये भी फंक्शन है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आपको क्विकली यूज़ करके बताता हूँ कि इसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल गो टू ब्लॉग, ब्लॉग पे हम लोग करते हैं ब्लॉग पोस्ट, टॉपिक आइडियाज, पैराग्राफ जनरेटर, लेट्स ट्राई दिस। तो यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ क्या है, व्हाट इज NFT, मैं बोल रहा हूँ NFT के ऊपर मुझे एक पैराग्राफ लिख के दो। यहाँ पर मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आउटपुट कॉपीज 3 मैंने सेलेक्ट करी है, एंड देन कीवर्ड्स कौन से इंक्लूड करने वो डाल दिया, NFT इंक्लूड कर दो। टोन ऑफ वॉइस क्या रहेगी, इन्फॉर्मेटिव, फ्रेंडली, विटी, वो आप अपनी तरफ से डाल सकते हो यहाँ पर। एंड इसमें अगर ये लोग यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन दे देते कि कौन सी टोन ऑफ वॉइस सिलेक्ट करनी है, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा ईजी रहता। एंड ये रहे हमारे आउटपुट्स, NFT, NFT स्टैंड्स, ठीक है, NFT स्टैंड्स फॉर नॉन फंजेबल टोकन, तो काफ़ी अच्छे आउटपुट दिए इसने आई थिंक। एंड यहाँ पर हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि पहले भी क्या आउटपुट्स हमें मिले थे। आउटपुट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हमने डिफरेंट क्वेरीज रन करके देखे, डिफरेंट इनपुट्स डाले, एंड जो हमें आउटपुट मिला है उसका टेबल आपको ब्लॉग आर्टिकल में नीचे मिल जाएगा, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। इस ब्लॉग आर्टिकल में हमने जितने भी सारे इनपुट्स डाले हैं, हमें क्या आउटपुट मिला है, वो सब स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे, एंड देन ये टेबल भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर नीचे, जहाँ पर आपको रेटिंग के साथ में मिल जाएगा कि हमारे तरफ से कैसा था आउटपुट जो हमें मिला। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने इंस्टाग्राम कैप्शन में ये इनपुट किया तो दिस वाज द आउटपुट दैट जैस्पर एआई गेव अस, क्या रेटिंग है हमारी और कौन सी कैटेगरी में था। इसी तरह से आपको सोशल मीडिया में ब्लॉगिंग के लिए, राइटिंग टूल्स, एड्स एंड मार्केटिंग, ई कॉमर्स और वेबसाइट कॉपी, इन सब के यहाँ पर आपको इनपुट आउटपुट्स देखने को मिल जाएंगे, ताकि आप लोग यहाँ पे खुद एक अंदाज़ा लगा पाएं कि ये वाले इनपुट डालने पे ये आउटपुट आ रहा है तो किस तरीके से रहेगा। ओवरऑल हमारे एक्सपीरियंस में ये सोशल मीडिया के लिए काफ़ी अच्छा था, राइटिंग टूल अच्छे थे इसके, एंड वीडियो डिस्क्रिप्शंस वगैरह मैंने लिख के देखे यूट्यूब के, वो मुझे उसमें पसंद नहीं आए। ब्लॉगिंग में अच्छा था, एंड ईमेल्स के लिए इट वॉज गुड, और एड कॉपी भी इसने अच्छी बना के दी है। ओवरऑल मैक्सिमम सेक्टर्स में इसने अच्छा परफॉर्म किया था। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की, कि अगर मुझे ब्लॉग पोस्ट बनानी है तो कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स पे आई क्लिक प्लस, एंड देन देर आर टू ऑप्शन, फ्री फॉर्म या फिर वर्क फ्लोज। अभी के लिए फिलहाल हम लोग यहाँ पे वर्क फ्लो सिलेक्ट करेंगे, क्या होता है ये अभी मैं और आगे भी बताऊंगा। यहाँ से आपको ब्लॉग पोस्ट सिलेक्ट कर देना है, देन आई क्लिक स्टार्ट फ्रॉम वर्क फ्लो। तो यहाँ पर ये मुझे स्टेप्स देगा कि ये सारे मुझे स्टेप्स फॉलो करने हैं टू जनरेट अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। फॉर एग्जांपल ये रहा, यहाँ पर ये वर्क फ्लो का जो भी पूरा इनका फ्रेमवर्क है वो आ जाएगा कि ब्लॉग पोस्ट टाइटल क्या रहेगा। तो आई विल से टाइप्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स, ऑडियंस कौन सी रहेगी, कॉफ़ी लवर्स, कैजुअल, ठीक है, जनरेट। तो अब यहाँ से मुझे एक इंट्रो पैराग्राफ जनरेट करके देगा, ये आ गया मेरा, आई विल क्लिक नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर इंट्रो पैराग्राफ मेरा आ गया है। अब इसके इंट्रो पैराग्राफ के बेसिस पे ये मुझे आउटलाइन भी जनरेट करके देगा, आई विल क्लिक जनरेट। देन ये आउटलाइन नीचे मेरे पास आ गई है, अरेबिका, रोबस्टा, डीकैफ, फ्लेवर्ड कॉफ़ी बीन्स, ये सब इसने यहाँ पे मुझे जनरेट करके दे दिया कि ये बेसिक आउटलाइन रहेगी। एंड आई कैन क्लिक रीजनरेट, या अगर मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ तो आई विल क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद ये जो पहला पैराग्राफ है ये मुझे जनरेट करके देगा बेस्ड ऑन द आउटलाइन, नहीं कैंसिल, जनरेट करूँगा मैं पहले क्योंकि ये आउटलाइन मुझे चाहिए। अगेन मैं यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने हिसाब से, इफ़ आई वांट टू ऐड सम न्यू पॉइंट्स या फिर मुझे कुछ चेंज करना है, तो ये रहा।
तो मेरी ये पॉइंट आ गया, मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दूंगा, तो ये हेडिंग के साथ में ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एंड देन ऐसे ही आई कैन राइट द होल आर्टिकल लाइक दिस, पैराग्राफ 2, 3, 4, 5 और आखिरी में कंक्लूजन भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। एंड मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। हाँ थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा ट्यून चाहिए कि एरर्स कम हो तो इस तरीके से बना सकते हैं। एक और यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म तरीका भी है आर्टिकल लिखने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल लिखने का आई गो टू डैशबोर्ड। लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल के लिए अगर आपको इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से बेस्ट जो था वो यही था। तो आई क्लिक ब्लॉग एंड इसमें आई गो टू वन शॉर्ट ब्लॉग पोस्ट, यहाँ मैं जाऊँगा। एंड यहाँ पर मेरा जो ब्लॉग टॉपिक है वो है टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स, फ्रेंडली कॉफ़ी लवर्स, ठीक है, जनरेट। तो अब यहाँ पर मुझे बार बार नहीं पूछेगा जनरेट करने को, मुझसे ज़्यादा इनपुट्स नहीं लेगा, मुझसे ज़्यादा चेकिंग नहीं मांगेगा, ये ऑटोमेटिकली सब आउटलाइन से लेके इंट्रो, कंक्लूजन, हेडलाइन सब कुछ यहाँ पर जनरेट कर देगा, सिर्फ मुझे यहाँ पर डालना है। तो ये ईजी है, लेकिन इसमें कम कंट्रोल रहता है, लेकिन आउटपुट ज़्यादा जल्दी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ये आ गया है, टाइटल इसने दिया है, इंट्रो दे दिया है, ब्लॉग की बॉडी दे दी है इसने, ये सारे भी ये बता दिया हमें, एंड देन कंक्लूजन दे दिया है। अब ये जो इसने आउटपुट दिया है, एक बार हम लोग इसको ओरिजिनलिटी AI स्कोर भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या इस कॉन्टेंट को डिटेक्ट किया जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है कि AI ने लिखा है। तो इंटरेस्टिंगली अभी इसने यहाँ पर मुझे 100% ओरिजिनल दिया है, एंड जब मैंने इसको लास्ट टाइम डिटेक्ट किया था तब 98% AI तो यहाँ पे डिटेक्ट कर पा रहा था वो, अभी यहाँ पर 100% ओरिजिनल आ गया है। आई डोंट नो कैसे। नाउ दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज पहले यहाँ पर जो भी आउटपुट था उसको ओरिजिनलिटी AI इजीली डिटेक्ट कर पा रहा था। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें मिलती है जैस्पर में वो है वर्क फ्लोज। नाउ वर्क फ्लोज में ऑलरेडी यहाँ पे शो कर चुका हूँ, बट वर्क फ्लोज के अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल एड्स के लिए, सोशल मीडिया कैंपेन के लिए एंड प्रेस रिलीज, सोशल मीडिया, ईमेल कैंपेन, ये सब पे यहाँ पर आपको वर्क फ्लो मिल जाता है। वर्क फ्लो मतलब जैसे मैं एड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आई क्लिक स्टार्ट फ्रॉम वर्क फ्लो, तो ये मुझे सारे डिफरेंट डिफरेंट जो भी एड प्लेटफॉर्म्स हैं उसके मुझे एड जनरेट करके देगा। मुझे यहाँ पर सिर्फ एक बार अपना इनपुट प्रोवाइड कराना है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी नेम मैं डाल देता हूँ KP क्लाउड स्टोरेज, तो ये मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, नेम इंफॉर्मेशन जनरेट। तो इसने यहाँ पर मुझे आउटपुट दे दिया है, फिलहाल के लिए मैं इस आउटपुट को सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ये प्रोवाइड करा रहा है, वी आर कमिटिंग, ठीक है, आई क्लिक नेक्स्ट। एंड देन यहाँ पर सोशल मीडिया एड आइडियाज ये मुझे दे देगा कि 3-part ad campaign with a headline, short description, targeting my audience, ठीक है, background information यहाँ पे दे दी है। तो इसने यहाँ पर मुझे ad campaign दे दिया है, headline ये रहेगी, description ये रहेगा। इसने यहाँ पर तीन दो मुझे आउटपुट दे दिए हैं, फिलहाल के लिए क्लिक नेक्स्ट। तो ये सोशल मीडिया ad ideas आ गए। अब गूगल के लिए भी ये मुझे दे देगा कि यहाँ पर गूगल के लिए क्या रहना चाहिए, गूगल पे अगर मुझे डालना है तो किस तरह की मेरी ad headline रहनी चाहिए वो मुझे बता देगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक ही बार यहाँ पर आप लोग इनपुट दोगे एंड बेस्ड ऑन दैट वन इनपुट ये आपके हर जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जो भी मेन मेन प्लेटफॉर्म्स है उसके लिए यहाँ पर आपको एड कॉपी जनरेट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल दिस एड कॉपी कैन बी यूज ऑन फेसबुक एंड जो अभी यहाँ पर हमें दी है इसने, ये इस एड कॉपी को यहाँ पर गूगल पे यूज़ किया जा सकता है। सो वर्क फ्लोस मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे लगे। इसी तरीके से यू कैन हैव अ वर्क फ्लो फॉर लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज पे आप लोग सिर्फ यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन डालोगे, देन आपको फीचर्स दे देगा, क्या सोशल प्रूफ पे क्या लिखना है, CTA सेक्शन क्या रहेगा वो सब दे देगा। सोशल मीडिया कैंपेन है कि आप लोगों ने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बता दिया, देन आपके लिए एक पोस्ट क्रिएट कर देगा उसमें कौन से आपको हैशटैग यूज़ करने हैं, ट्विटर में क्या जाएगा, फेसबुक पे क्या जाएगा, लिंक्डइन पे क्या जाएगा, सब कुछ वो आपको एक ही इनपुट से जनरेट करके दे देगा। सो ये वर्क फ्लोज मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं एंड मैंने अभी तक कोई भी दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा है जो आपको वर्क फ्लोज दे रहे हो, एक्सेप्ट फॉर क्रिएटिंग ब्लॉग कंटेंट या फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। ऐसे वर्क फ्लोज मैंने अभी तक किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं देखे। एक और चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो है कंटेंट समराइजर। ऑल यू हैव टू डू इज पेस्ट द इनपुट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने विकिपीडिया का एक पेज है, लिस्ट ऑफ कॉफी ड्रिंक्स, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड देन आई विल क्लिक जनरेट। तो ये मुझे इसमें से जो भी क्रिस्प पॉइंट्स है उसके, जो भी मेन पॉइंट्स वो दे देगा। तो कभी अगर आपको कुछ कॉन्टेंट को शॉर्ट में क्रिएट करना हो तो आई थिंक उसके लिए काफ़ी अच्छा है, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर प्रोजेक्ट्स, बहुत बार हमें बहुत सारे बुक समरीज वगैरह उसके लिए आई थिंक यू कैन यूज़ दिस वन। इसने मुझे यहाँ पे मेन पॉइंट्स दे दिए हैं एंड इट लुक्स गुड टू मी। देन वी हैव जैस्पर में बॉस मोड। अब इसका बॉस मोड क्या है, तो यू विल गो टू डॉक्यूमेंट्स, आई क्लिक क्रिएट, आई क्लिक स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर मुझे क्रिएट करके दे देगा एंड बॉस मोड इज़ बेसिकली दिस वन। यहाँ पर मैं कमांड्स लिखता हूँ नीचे एंड मुझे ये
आउटपुट ऊपर दे देता है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट अ कमांड कि गिव मी एन आउटलाइन ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉफी बीन्स. लिख रन कमांड. तो यहाँ पर इसने मुझे आउटपुट देना स्टार्ट कर दिया है. एंड अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिव मी एन इंट्रो फॉर द अबव आउटलाइन. अभी इस आउटलाइन के बेसिस पर होपफुली मुझे एक इंट्रो दे देगा. तो यहाँ पर इसने मुझे इंट्रो दे दिया है. आई विल जस्ट एंटर इट. ठीक है. एंड देन ये आ गया. इस तरीके से यू कैन कीप रनिंग ऑन द कमांड्स एज पर योर विश. और अगर आपको यहाँ पर यूज़ करना हो इनके वर्क फ्लोज को तो यू कैन स्विच टू पावर मोड. एंड पावर मोड में यहाँ पर ये सारी टेम्पलेट्स आ जाएगी. तो आई कैन गो टू पावर पैराग्राफ जनरेटर. एंड देन यहाँ से मुझे डालना पड़ेगा अरेबिका कॉफ़ी बीन्स पैराग्राफ अबाउट. ठीक है. जनरेट AI कॉन्टेंट. तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो. तो दोनों का मिक्स एंड मैच कर सकते हो. बॉस मोड बेसिकली मीन्स कि यहाँ पे आप लोग कमांड्स को रन कर सकते हो जैसे कि चैट GPT में होता है. टॉकिंग अबाउट चैट GPT, जैस्पर AI का एक और यहाँ पर फीचर है, दैट इज जैस्पर चैट. ये चैट GPT जैसा ही है. तो इफ आई वॉन्ट टू से राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट कॉफी बीन्स, तो यहाँ पर इसने मुझे ब्लॉग पोस्ट लिख के दे दिया है. अगेन बहुत ज़्यादा थॉरो नहीं है लेकिन ठीक है. इसको जैस्पर चैट को ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे. लेकिन मैंने यहाँ पे बोला राइट अ सॉन्ग अबाउट लव ऑफ माई लाइफ. लेट्स सी यहाँ पर क्या आउटपुट देता है मुझे. और बेसिक क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो जैस्पर AI पे. यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट्स के भी सजेशन मिल जाते हैं. मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है. चैट GPT में प्रॉम्प्ट सजेशन नहीं है लेकिन यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट सजेशन है कि क्या क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए वो मिल जाता है. तो यू कैन हैव अ डिसेंट कॉन्वर्सेशन हियर. चैट GPT का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है सिंस चैट GPT इज नाउ गेटिंग पेड. और जो उनका फ्री वर्जन है वो मैक्सिमम टाइम ऑफ ही रहता है. तो इफ़ यू आर गेटिंग अ AI राइटर विद सपोर्ट्स चैट फॉर्मेट लाइक दिस तो काफ़ी अच्छा है. हाँ, जैस्पर का क्रोम एक्सटेंशन भी आता है. कमिंग ऑन टू द क्रोम एक्सटेंशन, इसको यूज़ करने के लिए किसी भी जब भी हम लोग टेक्स्ट फील्ड में जाएंगे तो आपको जैस्पर का यहाँ पर आइकन देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से. आई क्लिक ऑन दिस तो यहाँ पर कमांड आ चुका है. यहाँ पर काफ़ी सारी टेम्पलेट्स है दैट यू कैन यूज़. जो अभी मैंने सारी टेम्पलेट्स बताई थी उसको यहीं से भी यूज़ किया जा सकता है. यू विल जस्ट नीड टू एंटर इनपुट और यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएंगे. जो इसमें एक अच्छी बात लगी है वो है मुझे यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूँगा राइट मी अ कॉमेंट टू अप्रिशिएट. ये जैसे वायलेट में हाईलाइट हो जाएगा मीन्स जैस्पर यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है. तो यू कैन यूज़ कमांड सच एज राइट मी अ कॉमेंट या फिर सजेस्ट मी या फिर मेक मी अ ईमेल. तो इस तरीके से कमांड लिखने से जैस्पर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है जैस्पर क्रोम एक्सटेंशन. तो आई विल राइट मी अ कॉमेंट टू अप्रिशिएट एन आर्टिकल ऑन बेस्ट फ्री राइटर बेस्ट AI राइटर्स बाय कृपेश आडवाणी. ठीक है. तो आई विल क्लिक नाउ दिस रन कमांड विद जैस्पर. तो अब ये मुझे यहाँ पर कॉमेंट लिख के दे देगा. द आर्टिकल इज इनक्रेडिबली इंप्रेसिव. कृपेश डिड एन अमेजिंग जॉब ऑफ प्रेजेंटिंग द बेस्ट फ्री AI राइटर्स अवेलेबल गिविंग अस. तो इस तरीके से यहाँ पर इफ़ आई वॉन्ट टू राइट मोर आई कैन राइट मोर. ठीक है. ये इसको और एक्सटेंड कर देगा बेस्ड ऑन द टेक्स्ट अबव. तो थैंक यू कृपेश फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस. ये जो चीज़ है ये मुझे किसी भी और क्रोम एक्सटेंशन में नहीं देखने को मिली. मैंने बहुत सारे AI राइटर्स का यूज़ किया, बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशन का यूज़ किया है. ये जो पावर है मीन्स यहाँ पर चैट GPT को बेसिकली आई कैन यूज़ एवरीवेयर, चाहे ईमेल्स हो जाए. लाइक यहीं पर ही मैं आपको एक ईमेल लिख के बता देता हूँ. राइट मी एन ईमेल टू टेक वेकेशन फॉर 7 days. आई विल क्लिक जैस्पर रन कमांड. ठीक है. तो अब ये जैस्पर का मुझे लिख के देगा. अभी यहाँ पर मुझे ईमेल डियर नेम. ठीक है. आई एम राइटिंग 7 days. ठीक है. और काफ़ी सारे कमांड्स हैं जो आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो ब्लॉग पोस्ट के लिए, समराइज़ करने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, एड्स के लिए, वीडियोस के लिए एंड कंपनीज आर्टिकल्स. तो जैसे हम लोग चैट GPT का यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पर कमांड्स भी आप लोग दे सकते हो. व्हेन यू आर टाइपिंग एट एनी फील्ड, एट एनी टेक्स्ट फील्ड, चाहे वो ईमेल हो जाए, चाहे वो कमेंट हो जाए, चाहे यूट्यूब के कमेंट्स हो जाए, कहीं पर भी अगर आप लोग इनपुट कर रहे हो तो यू कैन यूज़ दिस. इनफैक्ट इन गूगल डॉक्स एज वेल. कूपन कोड के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको 10,000 वर्ड्स फ्री में मिल जाएंगे इफ़ यू गो थ्रू माई लिंक go.kripeshadwani.com/jasper. उस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लेम 10,000 वर्ड्स फ्री. आपको 10,000 वर्ड्स फ्री में मिल जाएंगे दैट यू कैन यूज टू टेस्ट दिस टूल आउट. नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, अगर अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा. इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट और मोटिवेट करता है कि मैं इस तरह के यहाँ पे डेडिकेटेड रिव्यूज ला पाऊँ.
कुछ प्रोस के बारे में बात करूँ तो वर्क फ्लोज का जो ऑप्शन था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो इसने आउटपुट्स दिए हैं मैक्सिमम कैटेगरी में काफ़ी अच्छे थे। जैस्पर चैट भी है यहाँ पर जो कि चैट जीपीटी से काफ़ी सिमिलर है। क्रोम एक्सटेंशन इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर एआई राइटर्स, इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है एंड आउटपुट भी इसने फास्ट दिए हैं। कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो इट इज़ एक्सपेंसिव, मीन्स मैंने जितने भी एआई राइटर्स अभी तक टेस्ट करे हैं आई थिंक जैस्पर इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। सेकेंड जो कॉन लगा है वो ये है कि ये मुझे ये नहीं शो करता कि कितने वर्ड्स मेरे कंज्यूम हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेरी रन करी तो उसमें मुझे कितने वर्ड्स यहाँ पर कंज्यूम हो गए ये मुझे वो शो नहीं करता है, और क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वर्ड्स की लिमिटेशन है, मैं काफ़ी हाई प्राइस पे कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे ये तो बताओ कि मेरे कितने वर्ड्स यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं फॉर अ क्वेरी इवन आफ्टर रनिंग इट, कि मैंने इंस्टाग्राम कैप्शन जनरेट किया तो उसने मुझे कितने वर्ड्स यहाँ पर जनरेट करके दिए हैं। वो मुझे वापस हिस्ट्री में जाके देखना पड़ता है कि हिस्ट्री में कितना आउटपुट इसने यहाँ पे कंज्यूम किया एंड देन कितने वर्ड्स मेरे पास यहाँ पर रिमेनिंग है। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, द बिग क्वेश्चन इज जैस्पर एआई वर्थ इट? नाउ बिफोर यूजिंग जैस्पर एआई मेरी डिफरेंट ओपिनियन थी, आफ्टर यूजिंग इट मेरी टोटली डिफरेंट ओपिनियन हो गई है, एंड आफ्टर यूजिंग ऑल द एआई राइटर्स आउट देयर, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी मेजर एआई राइटर्स का यूज़ कर लिया, जैस्पर इज द लास्ट वन दैट आई एम यूजिंग इट, मेरी यहाँ पर थोड़ी सी ओपिनियन चेंज हो गई है। आई थिंक जैस्पर इज द मोस्ट पॉलिश्ड वन जिससे अच्छे आउटपुट्स हैं, नए फीचर्स यहाँ पर सर काफ़ी जल्दी आ रहे हैं, बॉस मोड है और चैट जीपीटी वाला फीचर भी आ चुका है, वर्क फ्लोज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, क्रोम एक्सटेंशन है, तो ये सारा जो पैकेज है आई थिंक दैट इज़ द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग फॉर द एक्स्ट्रा प्रीमियम। सो यस, इट डज प्रोवाइड यू द वैल्यू फॉर द एक्स्ट्रा प्रीमियम, इट इज़ वर्थ इट, बट एट द सेम टाइम नॉट एवरी वन नीड्स अ फरारी। आप अपनी डेस्टिनेशन में टाटा या फिर मारुति की कार से भी जा सकते हो। तो आई थिंक दिस टूल इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बट इफ़ यू आर अ पावरफुल यूज़र, अगर आपको एक पावरफुल एआई राइटर चाहिए एक क्रोम एक्सटेंशन के साथ और सारे नए फीचर्स के साथ में, तो आई थिंक जैस्पर कैन बी अ राइट चॉइस फॉर यू। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर सकते हो एंड यू आर श्योर कि उसको आप लोग कहीं ना कहीं से रिकवर कर लोगे, देन डेफिनेटली गो विथ जैस्पर, इट इज़ गुड फॉर द प्राइस। एंड अगर श्योर नहीं हो तो वी डू हैव अ 10,000 क्रेडिट ऑप्शन, वो उसका यूज़ कर लो, 10,000 वर्ड्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, मेरे नीचे दिए गए लिंक से आगे चेक कर लो कि इफ़ यू आर यूजिंग द पावर ऑफ दिस टूल और नॉट। एंड इफ़ यू आर श्योर कि अभी आपको इतना स्पेंड नहीं करना है, थोड़ा बजट पे जाना है, तो copy.ai, ScaleNut, RightSonic तीनों काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, उन तीनों की तरफ भी आप लोग देख सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आपके अगर कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट में डाल सकते हो, एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये टूल। फॉर द प्राइस पॉइंट इट इज़ एक्सपेंसिव, बट आपकी क्या ओपिनियन है do let me know in the comment section below. Thank you so much for watching. I will see you guys in the next one. Goodbye.